सिनेमा हॉल खुल गए हैं तो अब मूवी देखने जाओगे आप? मूवी क्या देखनी है, पहले बच्चों के स्कूल खुले, जो रोज तंग करते हैं माँ को, तंग करते हैं घर पे और के घर पे तंग करते हैं, स्कूल जाए वो अच्छी बात है। अच्छा भैया, सिनेमा हॉल खुल गया, मूवी देखने जाओगे? जाना तो है ही है। जाओगे? हाँ जी, हाँ जी। सिनेमा हॉल खोल दिए 25% कैपेसिटी के साथ है। वो तो कर ही गलत रही है सरकार, सारे वास्ते गलत कर रही है। कारोबार बंद किए, चौकड़ा मार के बैठे दुनियादारी देखते रहने, बस यही कुछ है साढ़े को। सरकार ने सिनेमा हॉल खोल दिए हैं, सरकार का क्या है? सिनेमा हॉल खोल रहे हैं, शराब की दुकानें खोल रहे हैं, स्कूल बंद हैं, कॉलेज बंद हैं, तो ठीक है। नहीं तो उनको भी तो लॉस हो रहा है, उनका भी तो बिजनेस ही है ना, बिजनेस तो हर एक बंदा कर रहा है, उनको भी तो लॉस हो रहा है सर, उनके बारे में सोचना पड़ेगा कुछ ना कुछ। अंकल मूवी देखने जाओगे सिनेमा हॉल खुल गए? क्या देखेंगे बूढ़े बारे में, हम क्या देखेंगे मूवी? अंकल सिनेमा हॉल खुलने चाहिए कि स्कूल? स्कूल खुलने चाहिए। सरकार ने सिनेमा हॉल खोल दिए हैं तो वो वैसे अभी तो नहीं चाहिए सिनेमा, आपके थोड़ा अभी कोरोना भी ठीक नहीं है पक्का, अभी डेफिनेटली देखो ना, अभी तो क्लियर तो नहीं हुआ ना, तो वैसे स्कूल जरूरी है। गाइडलाइंस डाला हुआ है मुंह पे आपने, यहाँ पे किसने मास्क नहीं डाला, कोरोना कहाँ है? तो सरकार ने सिनेमा हॉल खोल दिए, ये तो गलत किया। गलत किया क्यों? देखो पहले स्कूल बच्चों को पहले देखना चाहिए, बाद में सिनेमा देखना चाहिए। 25% कैपेसिटी के साथ सरकार ने सिनेमा हॉल खुलने के आदेश दे दिए हैं, तो आइए जनता से जानते हैं इसके ऊपर उनका क्या कहना है। भैया सिनेमा हॉल खुलने चाहिए कि स्कूल खुलने चाहिए? मैम स्कूल। स्कूल जी। तो पर सरकार ने तो सिनेमा हॉल खोल दिए 25% कैपेसिटी के साथ। एक्चुअली मैम देखो, जो बच्चों के स्टडी बेस है वो कम्प्लीट होनी चाहिए, बाकी मॉल वगैरह तो चलते रहते हैं। तो अभी खुल गए तो आप जाओगे मूवी देखने? हमें शौक ही नहीं है मूवी का। नहीं है शौक, बच्चे पढ़ने चाहिए बस, और बच्चे पढ़ने चाहिए। क्या लगता है आपको, स्कूल खोलने चाहिए कि सिनेमा हॉल खोलने चाहिए? स्कूल खोलने चाहिए। स्कूल? हाँ जी। पर सरकार ने तो सिनेमा हॉल खोल दिए। गलत है ये। गलत है? हाँ जी गलत है, स्कूल खोलने चाहिए, बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है। मोबाइल पे थोड़ा हर कोई पढ़ सकता है, स्कूल में तो जाके पढ़ सकते हैं, मास्टर पढ़ाएंगे तो उनको आएगा, मोबाइल में कुछ नहीं आ रहा है। जो बच्चे अच्छी जिनकी फैमिली है वो तो पढ़ लेंगे, मगर जो गरीब बच्चे हैं वो तो खज्जल हैं। खज्जल है? हाँ खज्जल हो रहे हैं ऐसे, इसलिए स्कूल खोलने चाहिए, हॉल बंद करिए, इसका कोई फायदा नहीं है। तो सरकार ने सिनेमा हॉल खोल दिए, तो क्या लगता है स्कूल खोलने चाहिए कि सिनेमा हॉल? स्कूल खोलने चाहिए। स्कूल? हाँ जी। क्यों? स्कूल सारे वैसे घर में बैठे हैं, गाड़ियों गुड़ियों का काम भी सारा खत्म, जो बच्चों पर चलता था हमारा वो सारा काम इस टाइम ठप पड़ा है, स्कूल खोलने चाहिए, काम हमारा निकलना चाहिए। हाँ बेरोजगारी इस वक्त स्कूल स्काल का काम था, वो काम खुलना चाहिए, हमें ये सोचते हैं काम खुलना चाहिए। अंकल सिनेमा हॉल खुलने चाहिए कि स्कूल? स्कूल खुलना चाहिए। सरकार ने सिनेमा हॉल खोल दिए हैं तो वो वैसे अभी तो नहीं चाहिए सिनेमा, आपके थोड़ा अभी कोरोना भी ठीक नहीं है पक्का, अभी डेफिनेटली देखो ना, अभी तो क्लियर तो नहीं हुआ ना, तो वैसे स्कूल जरूरी है। तो अब वैसे सिनेमा हॉल खुल के जाओगे मूवी देखने? नहीं अभी नहीं। नहीं जाओगे? अभी नहीं जाओगे, अभी थोड़ा आगे टाइम लगेगा, 2-4 महीने थोड़ा ठीक रहेगा तब जाएंगे, अभी नहीं। तो सिनेमा हॉल खुल गए हैं तो अब मूवी देखने जाओगे आप? मूवी क्या देखनी है, पहले बच्चों के स्कूल खुले, जो रोज तंग करते हैं माँ को, तंग करते हैं घर पे और के घर पे तंग करते हैं, स्कूल जाए वो अच्छी बात है। अच्छा क्या पढ़ते हैं घर पे बच्चे ऑनलाइन? घर पे कौन पढ़ता है ऑनलाइन, कितने ही पढ़ेंगे वो, 1-2 घंटा पढ़ाते हैं वो। अच्छा। उसमें क्या होगा, वो कितना पढ़ेंगे, स्कूल ही पढ़ते हैं बच्चे। अच्छा। 5-6 घंटे जाएंगे स्कूल में पढ़ेंगे उधर। अच्छा हाँ अंकल सिनेमा हॉल खुलने चाहिए कि स्कूल खुलने चाहिए? नहीं नहीं स्कूल खुलना चाहिए, ये बच्चे दरबदर हो गए हैं। दरबदर हो गए? तो सरकार ने तो सिनेमा हॉल खोल दिए 25% कैपेसिटी के साथ है। वो तो कर ही गलत रही है सरकार, सारे वास्ते गलत कर रही है, कारोबार बंद किए, चौकड़ा मार के बैठे दुनियादारी देखते रहने, बस यही कुछ है साढ़े को। काम काज नहीं? काम काज है ही नहीं, सरकार ने सारे का काम बंद किए। तो क्या कहना चाहोगे आपकी, अब सिनेमा हॉल खुल गया, स्कूल अभी तक बच्चों की पढ़ाई जरूरी नहीं है? बच्चों की पढ़ाई सबसे ज्यादा जरूरी है, बच्चे खज्जल हो गए हैं इस वक्त, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो सारे बेकार हो गए हैं, आगे उनको बैठने पढ़ाई के मन भी नहीं करेगा बैठने के लिए। तो बच्चे ऑनलाइन घर पे पढ़ते हैं वैसे? कहाँ ऑनलाइन पढ़ते हैं, ऑनलाइन वो दो बातें पढ़ाते हैं तो बस, बाकी गायब हो जाते हैं सारे, कहाँ पढ़ाते हैं। अंकल मूवी देखने जाओगे सिनेमा हॉल खुल गए? क्या देखेंगे बूढ़े बारे में, हम क्या देखेंगे मूवी, बूढ़े मूवी क्या देखेंगे? नहीं देखनी मूवी, हम देखते नहीं मूवी। आपको क्या लगता है, स्कूल खुलने चाहिए थे कि सिनेमा हॉल खुलने चाहिए थे? सब कुछ खुल जाए ठीक है, क्या है सब कुछ खुल
क्या है कुछ, क्या कोरोना क्या है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आपको नहीं लगता कि कोरोना में इतने लोग मतलब मर गए या कुछ? नहीं, आपको कोरोना लग रहा है क्या? नहीं, सरकार गाइडलाइंस डाला हुआ मुंह पे आपने। हाँ। यहाँ पे किसने मास्क नहीं डाला, कोरोना कहाँ है? तो आप क्या चाहते हो कि स्कूल खुलने चाहिए बच्चों के? अभी स्कूल खुलने चाहिए, पढ़ते हैं बच्चे घर पे? ऑनलाइन जब से दिया उसे मोबाइल लेके दिया, ऑनलाइन करते हैं क्लासें, वो बच्चे खराब हो गए। बच्चे खराब हो गए मैं बोलता हूँ, बच्चे खराब हो गए। नेट चलाते हैं पूरी रात को, पूरी रात को नेट चलाते हैं। ले आओ बच्चा कोई भी मेरे पास पढ़ने वाला, कौन सा बच्चा है ले आओ मेरे पास। तो सरकार ने सिनेमा हॉल खोल दिए, ये तो गलत किया। गलत किया क्यों? देखो पहले स्कूल बच्चों को पहले देखना चाहिए, बाद में सिनेमा देखना चाहिए। फिल्म में क्या रखा, पहले तो बच्चे भी कामयाब होने। भैया सिनेमा हॉल खुल गया, मूवी देखने जाओगे? जाना तो आई है। जाओगे? हाँ जी हाँ जी। तो 25% कैपेसिटी के साथ खुले हैं, क्या लगता है वैसा मजा आएगा सिनेमा हॉल में जैसे पहला आता था, पूरा थिएटर भरा हुआ आता था, लेकिन अभी सिर्फ 25% लोग होंगे? मजा तो नहीं आएगा, पर मजा नहीं आएगा, पर जाओगे? जाना तो पड़ेगा। जाना पड़ेगा, कितना जरूरी है मूवी देखना। तो क्या लगता है स्कूल खुलने चाहिए थे कि सिनेमा हॉल खुलने चाहिए थे? दोनों खुलने चाहिए। दोनों खुलने चाहिए। सरकार ने सिनेमा हॉल खोल दिए हैं, सरकार का क्या? सिनेमा हॉल खोल रहे हैं, शराब की दुकानें खोल रहे हैं, स्कूल बंद हैं, कॉलेज बंद हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, बच्चों के भविष्य का बात सोचना चाहिए भाई। स्कूल जरूरी है, जो चीज़ ज़रूरी है उसको खोलो। तो अब सिनेमा हॉल खुल गया, जाओगे अब मूवी देखने? कौन जाता है मूवी देखने के लिए? घर घर LED लगी हुई है, LCD लगी हुई है, TV लगा हुआ है, कौन जाता है? नहीं जाता कोई भी। सारे सिनेमा हॉल बंद ही पड़े हैं। हाँ, पर खुल गए ना अभी 25% कैपेसिटी। तो सिनेमा हॉल है वो पहले 8-10 थे, अभी 2 रह गए हैं। हाँ। इनको भी बंद करो, क्या जरूरत है खोलने की? अंकल सिनेमा हॉल खुलने चाहिए कि स्कूल खुलने चाहिए? स्कूल खुलने चाहिए। स्कूल क्यों? स्कूल इसलिए खुलने चाहिए जो हमारे आने वाले बच्चे हैं वो पढ़ लिख जाएं, अनपढ़ न रहें। अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो बच्चे क्या घर पे नहीं पढ़ते? बच्चे घर में कम पढ़ते हैं, जो स्कूल में पढ़ते हैं वो स्कूल में पढ़ते हैं। तो सरकार ने सिनेमा हॉल खोल दिए, क्या कहोगे? वो तो गलत है ना, गलत है वो, गलत है। स्कूल खुलने चाहिए जहाँ अपने सरकारी मैडम जहाँ उधर आए, बच्चों को पढ़ाए लिखाए, जहाँ थोड़ी बहुत बच्चे को दिमाग में समझ आ जाए। ये एक जरा ऑनलाइन पढ़ते हैं बच्चे, इसमें इसका कुछ नहीं होता है। नहीं समझते बच्चे वो, तो फिर जो सरकार भी गलत कर रही है ना, उनको चाहिए कि ये खोले, ये अपने स्कूल खोलें और जो बच्चे हैं जो पढ़ लिख जाएं, कुछ बने, वो माँ प्यो का बोझ हल्का करें। ये तो सारी ऐसे ही गुंडागर्दी पड़ जाएगी ना फिर। हाँ भैया सिनेमा खुल गए, मूवी देखने जाओगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। 25% कैपेसिटी के साथ खुले हैं तो क्या लगता है वैसा मजा आएगा सिनेमा हॉल में जैसे पहले आता था? वो तो नहीं आएगा उस तरीके से, चलो फिर भी ठीक है, बहुत देर के बाद जाएंगे तो कोई बात नहीं, देख लेंगे। 25% कैपेसिटी में देख लेंगे। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। दूर दूर बैठे बिल्कुल, वो तो जरूरी है ना, ऐसा भी सब करने फॉलो करने ही है ना, वो तो जरूरी है। तो क्या लगता है सिनेमा हॉल जरूरी थे बच्चों की पढ़ाई से ज्यादा? नहीं जरूरी तो नहीं थे, अब गवर्नमेंट ने खोल दिए हैं तो ठीक है, नहीं तो उनको भी तो लॉस हो रहा है, उनका भी तो बिजनेस ही है ना, बिजनेस तो हर एक बंदा कर रहा है, उनको भी तो लॉस हो रहा है, सब उनके बारे में सोचना पड़ेगा उसने। हाँ पढ़ाई ज़रूरी है वो तो ठीक है, अच्छी बात है, पर ये खोल लें तो जिन्होंने जाना है वो जा सकता, नहीं जाना नहीं जाओ। मतलब आप जाओगे मज़ा करोगे पूरा? नहीं मज़ा करने की बात नहीं है, हम कोई रेगुलर नहीं जाते हैं, कभी कभार कहीं मन कर गया 2 महीने में 3 महीने में एक बार, तो उसमें क्या है। अंकल क्या लगता है सिनेमा हॉल खुलना ज़रूरी थे कि स्कूल खुलना ज़रूरी थे? क्या चीज़? सिनेमा हॉल खुलना ज़रूरी थे कि स्कूल खुलना ज़रूरी है? स्कूल खुलना ज़रूरी है। स्कूल पर सरकार ने तो सिनेमा हॉल खोल दिए हैं 25% कैपेसिटी के साथ, चलो वो भी खुलना चाहिए, खुलना वही चाहिए। उसके साथ गवर्नमेंट भी चलती है ठीक है ना, पब्लिक भी जाएगी थोड़ा सा, चलो बहुत देर के 2 साल हुए थिएटर बंद हुए, तो खुलना चाहिए वो भी, खुलना चाहिए थिएटर, खुलना चाहिए। पर सरकार ने स्कूल नहीं खोले, क्या सिनेमा हॉल इतने ज़रूरी थे कि हर चीज़ आहिस्ता से खुलेगी? आप खोलोगे भाई जगदम खोल दें, पर तीसरी लहर जगदम आ जाएगी, जगदम आ जाएगी वो फिर क्या होगा। मैं बाबे गया हूँ, मास्क के बिना एक आदमी ने अंदर जाने देते, मुझे अच्छा लगा, क्यों? हमारी अपने लोगों की कमजोरी है, मास्क खोल देते हैं बस हवा में बातें करते हैं लोग, ऐसा नहीं, मास्क जहाँ भी कोई भी स्टेट होगी मास्क लगा होगा, कोई कोरोना नहीं होगा, ये पब्लिक की खुद कमजोरी होती है।
मास्क खोल देते हैं, गले में लगा देते हैं, उसका क्या फर्क है? मास्क लगाना पूरा लगाना, नहीं मत लगाओ। तो आप चाहते हो कि अब स्कूल भी खुलने चाहिए? खुलने चाहिए, क्यों नहीं खुलना चाहिए? बच्चे की पढ़ाई खराब हो रही है, खुलना चाहिए, स्कूल भी खुलना चाहिए। मैं खुले, मैं कहता हूँ हर चीज़ खुलेगी, आराम से खुलनी चाहिए, आस्था से खुले, कोई टेंशन नहीं। हमें शादी में था 20 आदमी थे, पहले 25 आदमी था, 100 कर दिया, कोई बात। सिनेमा हॉल खुल गया, मूवी देखने जाओगे? नहीं। लगता है आपको कि सिनेमा हॉल खुलना ज़रूरी थे कि स्कूल खुलना? स्कूल क्यों? क्योंकि बच्चे पढ़ेंगे तो अच्छा है। सिनेमा हॉल में क्या है, बच्चे अभी ऑनलाइन घर पे नहीं पढ़ रहे? पढ़ रहे हैं, पर स्कूल की पढ़ाई में बहुत अंतर है घर का। और सरकार ने ऑर्डर दे दिया है कि 25% सिनेमा हॉल खुलने चाहिए? नहीं खुलने चाहिए। नहीं खुलने चाहिए, नहीं खुलने चाहिए। क्योंकि अभी तक तो सरकार ने स्कूल तो खोले नहीं, लेकिन सिनेमा हॉल खोल दिए। सिनेमा हॉल खोल दिए, हाँ गलत बात है ना। गलत बात, जो गलत है वो गलत है। तो लगता है आपको कि स्कूल खुलने चाहिए? पहले स्कूल खुलने चाहिए, स्कूलों के लिए और जो भी है कम से कम वैक्सीनेशन होनी चाहिए। वैक्सीनेशन के बाद हर स्कूल को, जरूरी थोड़ी है एकदम तो होगा नहीं, थोड़े थोड़े थोड़ा थोड़ा वो करना चाहिए, वो कर ही नहीं रही गवर्नमेंट, नहीं कर रही है। और अननेसेसरी जो है स्टूडेंट के, उनके माँ बाप के पैसे जो है ट्यूशन उनकी फीस जो जा रही है, गलत बात है वो। जब एक बच्चे क्लास में बैठ के नहीं पढ़ सकते हैं तो वो ऑनलाइन क्या पढ़ेंगे? किसी के पास तो मोबाइल भी नहीं है। हाँ। मैक्सिमम लोगों के पास मोबाइल नहीं है। मेरे पास मोबाइल है, मुझे चलाना ही नहीं आता। सीधी सी बात है। हाँ। यहाँ इतनी अवेयरनेस तो है नहीं है। हाँ। ये मोबाइल जो है बेसिक है तो कंप्यूटर है ना। हाँ। कंप्यूटर, जब कंप्यूटर ही चलाना नहीं आता है तो वो क्या पढ़ेगा बेचारा बच्चा? हाँ। सामने बैठ के बोर्ड पे, हम भी पढ़े हैं। हाँ। बोर्ड पे बैठ पे लिखाते थे, सब कुछ करते थे, बकायदा नोट्स देते थे, ऐसे करो जी ऐसे करो जी, तो ये कहाँ हो पाएगा? मेरे मुताबिक जो ये 2 साल है ना बच्चों के, ये उम्र भर के लिए जो है ना बर्बाद हो गए। ये कहीं भी कंपटीशन में बैठ ही नहीं सकते हैं, इनमें इन्होंने पढ़ा ही कुछ नहीं है। तो आपके भी बच्चे होंगे घर पे, वो पढ़ते हैं ऑनलाइन? कहाँ पढ़ते हैं, कौन कोई बच्चे सुनते ही नहीं है। हालांकि ये शुक्र है मेरी एक बड़ी बेटी थी, उसको मैंने इंजीनियरिंग करवाई, छोटी बेटी थी वो अभी कर रही है इंटर्नशिप इसकी अपने डॉक्टर की। हाँ, वो कर रही है। लेकिन कहने का मतलब इतना है कि बच्चे को अगर ना कोई ट्यूशन में डाल पा रहे हैं, ना वो स्कूल में सही पढ़ रहा है, तो वो आगे कंपटीशन में कहाँ जाएगा? हाँ। मेरे ही बेटे ने, मैंने उसे बोला कि आप मेडिकल लाइन में जाओ। हाँ। तो चलो जितना भी कर सकूँगा मैं आपकी हेल्प करूँगा। लेकिन वो बोलने लगा मुझे करना है अपने आर्ट्स। हाँ। आर्ट्स सब्जेक्ट रखे। हाँ। आर्ट्स के लिए थारोली जब तक पढ़ेगा नहीं बच्चा, वो क्या करेगा? मैंने सोचा चलो भाई इसको KS की तरफ ले जाएंगे। हाँ। लेंगे कहाँ, ये 2 साल पढ़ा ही नहीं है तो लेंगे कहाँ? नहीं पढ़ता था घर पे, फोन चलाना है ना, मैं अपनी ड्यूटी पे हूँ। हाँ। माँ है, उसको इतना समझ नहीं बेचारी को, ठीक है ना, हर चीज़ का थोड़ी पता है। हाँ। बच्चों का ध्यान है शरारत की तरफ। हाँ। वो शरारत करें ही करेंगे। हाँ। तो एक दफ़ा बोले, 2 दफ़ा बोले, 3 दफ़ा वो लड़ाई करेगा बच्चा। हाँ। करेगा या नहीं करेगा? वो इरीटेट होता है क्योंकि वो अपनी मस्ती में है वो। ये प्रॉब्लम है मेन जो है ना, ये गवर्नमेंट जो समझो कि ये जो 2 साल के वाले बच्चे हैं जो 10th से लेकर 12th तक के, वो किसी काम के नहीं आगे, वो कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे।